जबलपुर में स्टेज सिंगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लाडगंज थाना के रानी तालाब शमशान घाट के पास की है, जहां पर स्टेज शो और ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले अजय की लाश उसके घर से 50 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में मिली। सुबह कुछ लोग जब शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने युवक को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। 24 वर्षीय मृतक अजय कन्नौजिया के परिवार वालों ने बताया कि वो ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो में गाना गाता था। आयोजन होटल में प्रोग्राम करने के कारण वो सुबह घर पहुंचा था। देर रात को भी वह स्टेज शो करने गया, जहां देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने फोन किया, जिस पर उसका मोबाइल बंद आ रहा था। सुबह अजय की बाइक घर के बाहर खड़ी हुई मिली, पर अजय नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने अजय के परिजनों को बताया कि वो शमशान घाट के पास बनी सीमेंट की कुर्सी पर मृत पड़ा हुआ है। लालगंज पुलिस के मुताबिक अक्सर अजय शमशान घाट के पास घूमते हुए फोन पर किसी से बात करता था। पुलिस ने कई बार उसे समझाइश भी दी कि वो घर पर जाकर बातें करे, पर वो अक्सर घंटों वहां बैठकर फोन पर किसी से बात करता था। प्रथम दृष्टया पुलिस अब इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। वहीं पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजनों से भी पूछताछ में जुटी हुई है। इसके अलावा अजय के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगाल रही है। कोतवाली CSP प्रभास शुक्ला का कहना है कि मृतक के सीने में चोट के निशान मिले हैं। अभी तक ये पूरा केस ब्लाइंड है, पर जल्दी ही पुलिस इसका खुलासा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। वहाँ लड़का लेटा हुआ है तो हम भाई देखने के लिए देख रहे, पेट में चाकू मार दिया है। देखो ये उम्र 22 साल, उजारपुर में रानीताल शमशान घर के पास रहते थे। उनकी बॉडी घर से 50-60 मीटर की दूरी पे शमशान घर कंपाउंड में पाई गई। छाती पे एक चोट है, अभी तक ब्लाइंड ही है।